नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब अगर बात की जाए तो एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। किस तरीके से एमटीएफसी के मकर जाल ने निवेशकों को फंसाया था, उसे लेकर एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इसमें अब मुंबई कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से हुज़ैफ़ा जमाली जो अगर बात करें तो उसने किस तरीके से एमटीएफसी के सिंडिकेट को यहाँ पर नीमच मंसूर रतलाम और राजस्थान में फैलाया था, उसके बाद जिस तरीके से रतलाम पुलिस की हत्या चढ़ा हुज़ैफ़ा जमाली, उसके बाद सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बात किया है तो अब मुंबई कनेक्शन सामने आया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हुज़ैफ़ा जमाली का जो भाई है यूसुफ जमाली, वो अचानक मुंबई से नीमच पहुँचा था और अकेला कार चलाते हुए नीमच आया था। उसके बाद अचानक वापस नीमच से मुंबई अकेला कार चला के मुंबई के लिए रवाना हुआ। इस तरह की जानकारी आ रही है और ये जानकारी बताई जा रही है कि जब एमटीएफसी का ऐप चालू था उस वक्त वो नीमच पहुंचा था और जब एमटीएफसी का ऐप बंद हुआ तो उसके एक दिन पहले वे मुंबई जा पहुंचा। अब इसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो हुज़ैफ़ा जमाली का भाई था यूसुफ जमाली, वो एक दिन पहले नीमच क्यों आया और उसके बाद अचानक फिर जो है अकेला कार से वापस मुंबई क्यों गया। इसे लेकर अब पुलिस जो है अगर बात करें तो इस पूरे मामले पर जाँच करी, पूछताछ कर सकती हुई है हुज़ैफ़ा जमाली के भाई यूसुफ जमाली से। साथ ही बताया जा रहा है कि हुज़ैफ़ा जमाली की मुश्किलें बढ़ सकती है, उसकी भी प्रॉपर्टी और उसके भी बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। इस वक्त की जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि अब जो हुज़ैफ़ा जमाली है उसका भाई यूसुफ जमाली जो मुंबई का है रहने वाला है, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है और उसका भी इस पूरे सिंडिकेट में नाम निकल के सामने आया। जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरीके से एमटीएफ के मकरजाल में हुज़ैफ़ा जमाली का भाई जो यूसुफ जमाली है उसका भी एक बड़ा रोल इस पूरे सिंडिकेट में बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस तरीके अपडेट के लिए बने रहना साथ। जय हिंद, जय भारत।